बिल्कुल, ये साइट मैंने बाय की है जो गूगल से हिट हो चुकी थी। सबसे पहले इसकी स्टोरी ये है कि ये साइट मैंने बहुत पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, अपने एक दोस्त के साथ स्टार्ट की थी। अब इस साइट में जो टोटल कंटेंट है वो सारा जो है वो ब्रांडिंग कंटेंट और मेक मनी के ऊपर है। ये वेबसाइट टोटली मेक मनी के ऊपर है। .pk वेबसाइट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है moneysiren.pk, आप इसको जाकर सर्च कर सकते हो। इस पर जितना कंटेंट था सारा मेक मनी के ऑनलाइन रिलेटेड था और सब कुछ इसके ऊपर उसी के रिलेटेड चल रहा था। अब हुआ क्या कि उसके बाद ये जो इसका एक आर्टिकल था, घर बैठे कमाए 30,000 महीना इन पाकिस्तान, ये मेरा सबसे बेहतरीन आर्टिकल था। लेकिन जब अपडेट आया, अपडेट के बाद क्या हुआ है कि अपडेट का आपको पता, लास्ट अपडेट जो है वो हिंदी या हिंदी दो दूसरी लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर आया था। उसकी वजह से ये वेबसाइट यहाँ पर हिट हुई है और बिल्कुल नीचे डाउन आ गई। दूसरी चीज़, इस पर ऑफ पेज का कोई काम नहीं किया गया था, इस वजह से भी ये हो सकता है कि डाउन आ गया। अब मेरी इस पर कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जिसकी वजह से मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। अब ये साइट तो मैंने ले लिया, ये इसके स्टैट्स भी आपके सामने, अगर मैं आपको परफॉर्मेंस में जाके पिछले सारे टोटल इसके स्टैट्स दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस पूरी वेबसाइट के ये स्टैट आपके सामने। इस पे जो आर्टिकल हैं वो इस टाइम 44 आर्टिकल्स डाले हुए हैं और इसमें सबसे बड़े जो आर्टिकल्स थे वो यही थे जो मैंने आपके सामने ये वाला शेयर किया है। अब क्या हुआ कि ये जो कीवर्ड है इस पे काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं और इस पे अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था इस कीवर्ड पे कोई कंपटीशन नहीं था। जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ ये उसी स्ट्रेटजी के साथ चला था। अब यहाँ पर आगे साइड डाउन हुई है। अब क्या होगा, इस साइट को मैंने डिजिटल हमजा का पर्सनल ब्लॉग बना दिया। इस पर जो मैं SEO, ब्लॉगिंग, मेक मनी, इन जैसी जो चीज़ें हैं उनको साथ में शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस साइट पर न्यूज़ जो आती है ना इस इंडस्ट्री के रिलेटेड वो भी शेयर करूँ। तो अगर आप ब्लॉगिंग, SEO, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो इस साइट पर जाके आप अभी जाके इस साइट को सर्च करो, वहां पर जाके देखो। ये एक आर्टिकल भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। एक नया टूल जो रैंक नाउ आया उसके बारे में, इस टूल के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ये मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस पे आगे मजीद डिटेल्स में देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च जाननी है जिसकी वजह से इस साइट को मैंने रैंक किया था, तो ये एक वीडियो आ रही है, आप इसको जाके देख सकते हैं।